दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में 13 साल की एक लड़की को रेप के बाद उसे रेलवे लाइन के नजदीक फेंक दिया गया। एम्स में भर्ती इस लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की 17 मई से लापता थी, अभी तक किसी आरोपी का पता नहीं चल सका है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गैंगरेप की शिकार नाबालिग से एम्स में मुलाकात की। स्वाति ने बताया कि लड़की मानसिक रूप से बेहद परेशान है, उसके शरीर पर जख्म है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के बाद ठीक होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान, राजस्थान परिवहन के चेयरमैन शैलेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। दिल्ली के 2400 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में खास ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली सरकार इसके लिए वर्कशॉप आयोजित करेगी, जिसमें पढ़ाई को रुचिकर बनाने और बेहतर नतीजों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में पीसीआर के पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगा है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। 19 मई को गाजीपुर में राजीव और रजनीकांत नामक युवक का किराए को लेकर एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। इसी दौरान पास खड़ी पीसीआर वैन के पुलिस वाले रजनीकांत को नशे में बताकर साथ ले गए। अगले दिन शाम को थाने के पास नाले से उसकी लाश मिली। 7वें वेतन आयोग के खिलाफ दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर रहेंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में डॉक्टरों को मिलने वाला एनपीए कम कर दिया गया है। डॉक्टर एनपीए बढ़ाने और उसे बेसिक वेतन मान में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने दाल की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने गोदामों में छापेमारी की। इस छापेमारी का मकसद राजधानी में दाल की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाना है। दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश की वजह से राजधानी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली इलाके में पेयजल संकट से निपटने के लिए एनडीएमसी ने 10 नए वाटर टैंकर खरीदे हैं। 88,99,000 रुपए की लागत से बने ये 10 टैंकर बुधवार को नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों को समर्पित किए गए। दिल्ली के द्वारका और पालम इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों में पानी लीकेज और अवैध कनेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से करीब 30% पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है।